कांग्रेस भले ही ऑल इज वेल कहकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार को बचा पाने में उसके पसीने छूट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अभिषेक मनु सिंघवी की हार से जो आग लगी वो फैलती ही जा रही है। बागी विधायकों को विधानसभा से बाहर करके एक बार फिर सरकार तो बच गई, लेकिन ये कितने दिनों तक बची रहेगी कह पाना जरा मुश्किल है। सुखविंदर सिंह सुक्खू से विधायक ही नहीं, मंत्री तक नाराज हैं। यही वजह है कि जब सुक्खू ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई तो दो मंत्री आए ही नहीं, दो शहर से बाहर चले गए, एक मीटिंग छोड़कर गुस्से में निकल गए। शिमला में कैबिनेट की बैठक के दौरान ही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर उठकर चल दिए। उनको बैठक छोड़कर निकलता देख डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री उनके पीछे मनाने के लिए चल दिए। कुछ देर में मान मनोबल करके वो उनको वापस लाए। इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल होने लगा है, इसमें उनकी नाराजगी साफ झलक रही है। इसके अलावा वरिष्ठ मंत्री विक्रमादित्य सिंह, जगत सिंह नेगी मीटिंग में आए ही नहीं, दो अन्य मंत्री चंडीगढ़ चले गए। इससे सरकार के अंदर मतभेद गहराते जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दावा है कि सरकार स्थिर है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार के बाद से ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ माहौल बना हुआ है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद भी कुछ विधायकों ने पार्टी से बगावत करते हुए बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया। इससे बीजेपी राज्यसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने में सफल हो गई। इस बीच कांग्रेस के बागी विधायक राजेंद्र राणा ने यह दावा करके खलबली मचा कि सीएम सुक्खू के काम करने के तरीके से पार्टी के 9 और विधायक घुटन फील कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सभी विधायक उनके संपर्क में हैं। इससे ऐसा लगता है कि सरकार की स्थिरता पर संकट बरकरार है। एक महीने बाद देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से मतभेद देखे जा रहे हैं, उससे ये कहीं नहीं दिखता कि पार्टी एकजुटता के साथ अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेगी। राज्यसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी टकराव होने की पूरी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।